और अन्य कामों में मां थी, उतना अंदर प्रवेश कर गई नारायण। भगवान श्याम सुंदर सो नहीं रहे थे, भगवान श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे थे, उतना कब आए, उतना कब आएगी, उतना कब आएगी। उन्होंने जाकर के देखा भगवान श्याम सुंदर को, आज ऐसे उठाने लगे ना, भगवान देख रहे थे, आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने उतना को देखा और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। या महात्मा लोग बहुत सुंदर भाव सुनाते हैं, उतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की। भगवान सोच रहे थे कि ये बच्चे को मारने वाली है, इसके मन में बच्चे को मारने की भावना है, और वो बच्चे को मारने की भावना वाली होती है वो बड़ी क्रूर होती है, और वो क्रूर है ना, वो भगवान की कृपा दृष्टि में नहीं आती। आपके अंदर क्रूरता है, निर्दयता, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होने वाली है, आपके अंदर दया होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान सोच रहे थे, देखो रामावतार में मैंने सबसे पहले किसको मारा, ताड़का को। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा नारायण, और वो इस अवतार में सोच रहे थे कम से कम इस अवतार में तो मैं पहली बार श्री को नहीं मारू, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊं। लेकिन भगवान सोचने लगे, इस अवतार में भी सबसे पहले मेरे को किसको मारना पड़ेगा, उतना को, स्त्री को मारना पड़ेगा। ऐसा सोच करके नारायण भगवान ने आंखें बंद कर दी। और इसका तीसरा भाव है, भगवान श्याम सुंदर सोच रहे थे कि ये छठवां दिन और ये मां का दुग्धपान करने का दिन, और ये मौसी जी तो मेरे को जहर का पान करने को तैयार बैठी है, और मैंने कभी आज तक जहर का पान नहीं किया है, जहर का क्या स्वाद है ये भी मेरे को मालूम नहीं है। हमारे देवताओं में, भगवानों में एक भगवान है जिसको जहर पान करने की आदत है, जिनको विष का स्वाद मालूम है, और वो कौन है, भगवान शंकर है। भगवान ने सोचा कि चलो मैं भगवान शंकर का आह्वान करता हूं, भगवान को बुला लूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जहर का पान तुम करो और दूध का पान मैं करूंगा। भगवान ने आंख बंद कर ली नारायण कृष्ण ने, और वो भगवान शंकर का आह्वान करने लगे, हे प्रभु आओ और दूध का पान मैं करूंगा और जहर का पान तुम करोगे। आज जैसे आंख बंद करके भगवान ने शंकर को पुकारा, आह्वान किया, और उनके अंदर रुद्र रौद्र प्रकट हो गया, उनके अंदर रौद्र मने भगवान शंकर प्रकट हुए, और वो दूध नारायण ऐसा पान करने लगे पूरी शक्ति के साथ, और दुग्ध पान करते करते वो भगवान शंकर आ गए ना वहां, प्राणों का भी पान करने लगे नारायण, छाती खींचने लगी, दर्द होने लगा उसके छाती में, कराह उठी, चीखने लगी, सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिनी, वो जोर जोर से नारायण बोलने लगी, छोड़ो बेटा छोड़ो, ज्यादा दूध पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब होगा। भगवान ने कहा, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं, और जब हम पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। उठ के खड़ी हो गई नारायण, दौड़ने लगी चीखते हुए, आंगन तक पहुंची और आंगन में जोर से गिरी और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
बहुत सारी गोपियां दौड़ करके आई, यशोदा मैया अंदर से बाहर आई नारायण, देखा एक बहुत बड़ी महिला अपने भयंकर वेशभूषा में आकृति में देखा भगवान श्याम सुंदर उनके छाती पर रहे। माँ ने उठाया और उठा करके देखा लाला को कोई चोट तो नहीं लगी है। बड़े ग्वाल बाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने उठाकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। पोतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांस यापि हरये स्तनम दत्वा अवाप सद्गतिम। लेकिन वहां के लोगों ने एक बहुत अद्भुत आश्चर्य की चीज देखी नारायण। जब वो पूतना जलने लगी ना, उसके शरीर से कर्पूर की सुगंध आने लगी, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी क्योंकि वो असुरी थी और वो बहुत बड़ा तमोगुण उसके अंदर था, वो भगवान को मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन कर्पूर की सुगंध। उन्होंने भगवान का स्पर्श किया था, बस बात इतनी है। आप चंदन को छुओ शत्रु समझ के तो भी आपको चंदन सुगंध प्रदान कर देगा। आप गंगा जी में हाथ डालो गंगा मैया को शत्रु समझ के तो भी आपको शीतलता प्रदान कर देगी। आप अग्नि में हाथ डालो बहुत प्रेम से तो भी अग्नि आपको हाथ जला देगी। वो स्वभाव है, ऐसे भगवान का स्वभाव है नारायण। भगवान का स्वभाव है, भगवान के अंदर करुणा है, दया है। भगवत संस्पर्श आंखों से भगवान को देख रही थी, हाथों से भगवान को छू रही थी, पांचों इंद्रियों से भगवान का वो अनुभव कर रही थी और इसीलिए भगवान को शत्रु समझती हुई भी वो भगवदीय जो शक्ति है वो उसके अंदर समाविष्ट हो गई, तन के अंदर समाविष्ट हो गई, उसके मन के अंदर समाविष्ट हो गई नारायण। और उसका ये तन और उसका मन भी शुद्ध हो गया और इस तन से जब वो जलने लगी कर्पूर की सुगंध आने लगी और उसका मन इतना पवित्र हो गया नारायण, भगवान ने उनको अपने मां की गति प्रदान कर दी, सारा पाप समाप्त हो गया। और जो गति मां को मिलने वाली है वही गति भगवान ने पोतना को प्रदान कर दी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा ही सुंदर ये प्रकरण है। अभी भगवान श्याम सुंदर नारायण 108 दिन के हैं। बहुत छोटा सा रूप है भगवान का। भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया और थोड़े बड़े हो गए भगवान नारायण। बड़ी सुंदर लीला है, आप ध्यान देके सुनेंगे। एकदा आरोह आरूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमानं शिवोद्बोधुं नसेहे गिरिकीटवत्। यशोदा मैया अपने हाथों में भगवान श्याम सुंदर को लेकर के ऐसे उछाल रही थी और जब वो भगवान को उछाले तो भगवान खिलखिला के हंस पड़ रहे थे, मानो भगवान को अंतरिक्ष में जाने की इच्छा हो रही हो। और उसी समय तृणाव्रत नारायण निकला भगवान को मारने के लिए, कंस के द्वारा प्रेरित। भगवान की इच्छा से वो वहां पहुंचा, एक बहुत बड़े बवंडर का रूप धारण करके आया। और इधर भगवान श्याम सुंदर सोच रहे थे अभी तृणाव्रत आने वाला है मेरे को मारने के लिए,
और मेरे को तृणव्रत को मारना है। माँ के हाथों में यदि मैं रहा तो मैं तृणव्रत का उद्धार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि माँ मेरे को छोड़ेंगी नहीं। माँ मेरे को लेकर के बैठ जाएगी, छाती में लगा देगी, फिर मैं तृणव्रत को मारूंगा कैसे। पहली बार भगवान ने माँ को बता दिया मैं भगवान हूं। माँ समझ नहीं पाई। भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया। बहुत छोटे से भगवान है, लेकिन वजन जब बढ़ा तो हाथों पर ऐसा लगा मानो गिरी कूटवत, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर हाथ में लेकर के मां बैठी हो, या कोई हाथों पर पर्वत रखा, इतना बोझ ऐसा लगा मां को। ये मां को दिखाया गया पहला चमत्कार था भगवान के द्वारा। लेकिन मां समझ नहीं पाई नारायण। मां ने सोचा ये मेरा ही भ्रम है, और मां ने उनको आंगन में एक कपड़ा था उस कपड़े के ऊपर भगवान को लिटा दिया। आपको जब बोझ होता है ना तो आप उतार लेते हो, किसी भी चीज का बोझ हो जाए तो आप उसको उतार लेते हो। आप माला जप कर रहे हैं, बोझ हो गया तो आप उतार लेते हो। आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान यदि बोझ हो जाए तो ध्यान का बोझ भी आप उतार लेते हो। आप सत्संग कर रहे हैं, कई बार सत्संग भी बोझ मालूम पड़ता है, बहुत बड़ा बोझ मालूम पड़ता है, इसलिए तो आपको कुंभ मेला में आना चाहिए, क्योंकि आप जब घर में होते हो तो वहां बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आज जब मेले में आए तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे बोझ उतर जाते हैं, फिर दिमाग के सारे बोझ उतर जाते हैं। इसलिए बोझ नहीं होना चाहिए आपको, सत्संग का बोझ, माला का बोझ, जप का बोझ, सेवा का बोझ। उधर से तृणव्रत आया नारायण, तृणव्रत माने बवंडर है, बहुत बड़ा बवंडर, वो आवाज करता हुआ, और वो जमीन के बहुत सारे पत्ते धूल आकाश में उड़ाते हुए, रजसा तमसा आवृतम। ये बहुत गहरी अध्यात्म की बात है। वो जब आया तो अकेला नहीं आया, वो बवंडर क्या लेके आया, रजसा बहुत सारी मिट्टी ले आया, धूल ले आया, और वो मिट्टी धूल के साथ तमसा आओ, तमोगुण मन अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधेरा छा गया नारायण। इतनी सारी धूल मिट्टी वो अंतरिक्ष में ले गया, और वो मिट्टी धूल छा गई, चारों ओर अंधकार छा गया। रजसा तमसा आप, ये एक बहुत आध्यात्मिक बात है, ये हमारे जीवन का सत्य अपने लीलाओं के द्वारा भगवान प्रकट कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिबंध है, ये रजोगुण तमोगुण। हमारे जीवन में तीन प्रकार के गुण हैं, एक सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। आप ध्यान में बैठे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं, आपका शरीर बहुत हल्का है, मन बहुत हल्का है, बहुत शांति से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समझ लीजिए आप में सत्वगुण है, बहुत आनंदपूर्ण आपकी साधना चल रही है, ये सत्वगुण का फल है। आप बैठे सत्संग में लेकिन आपका मन बड़ा विचलित है, सोच रहे हैं बहुत सारी बातें,
वर्तमान की, अतीत की, भविष्य की बहुत ज्यादा मन में चंचलता है, व्यग्रता है, वासना का प्रलोभन है। समझ लीजिए कि वो हमारा रजोगुण है, रजोगुण। कोई वासना की प्रगल्भता तो नहीं है, लेकिन आपको यहां बैठे बैठे नींद आने लग जाए, आपका शरीर थोड़ा भारी होने लग जाए, आपको लुढ़कने की इच्छा हो जाए, तो समझना चाहिए कि वो तमोगुण है। इनमें दो गुण जो है ना वो प्रतिबंध है, साधना में प्रतिबंध है। रजोगुण और तमोगुण साधना में प्रतिबंध है, सत्वगुण साधना में साधक है। आप जब साधना करें तो आपके अंदर सत्वगुण होना चाहिए। ये सत्वगुण को बढ़ाने के लिए प्राणायाम आप करते हो ना, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनेकों प्रकार के आसन, ये आपके अंदर, आपके मन और आपके तन में सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, ये साधना में सहयोग के लिए है। आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपकी नस नाड़ियां एकदम सक्रिय हो उठती हैं, शरीर के केंद्र आपके खुलने लगते हैं, सारी ग्रंथियां ढीली हो जाती हैं और एक शरीर में हल्कापन आ जाता है, सत्वगुण बढ़ जाता है। और उसके बाद जब आप ध्यान में चले जाते हैं तो आप बहुत सहजता से चले जाते हैं। सुबह के ध्यान सत्र में हम इसी क्रम को करते हैं रोज 7 से 8। बहुत जरूरी है, साधक को प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य। और ये प्राणायाम ये कोई व्यायाम नहीं है, ये आंतरिक शरीर तंत्र का नाड़ी शोधन है। इसलिए आदमी को सत्वगुण को बढ़ाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण दोनों साधना में प्रतिबंध है नारायण। एक बात मैं पूछता हूं, आप सत्संग में बैठे हैं तो बिल्कुल एक नंबर सत्वगुण होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में दोनों में से एक को लेना हो तो किसको लेना चाहिए? यहां कथा में बैठकर सो जाना अच्छा है या कथा में बैठ करके दुनिया का चिंतन करना अच्छा है? क्यों अर्जुन भाई? हे अर्जुन, आपको कथा सुनना यहां बैठकर आपको नींद आ गई, यहां कथा में बैठे बैठे आपको नींद आ गई, तो नींद में चले जाना अच्छा है, यहां से उठ के कमरे में चले जाना अच्छा है। देखो ये दोनों चीजें हैं। एक चीज है यहां बैठे बैठे सो गए, दूसरी चीज है यहां बैठ करके आप दुनिया का चिंतन कर रहे हैं या तो उठ के चले गए कमरे में। इन दोनों में से एक का चयन करना हो तो आप किसको ज्यादा अच्छा मानोगे? यहां बैठकर दुनिया का चिंतन करना अच्छा है कि यहां बैठ करके सो जाना अच्छा है? बात तो ईमानदारी की इतनी ही है कि आप यहां बैठे हैं और दुनिया का चिंतन करना है, उसकी अपेक्षा यहां बैठे बैठे सो जाए ज्यादा अच्छा है। और जो नींद आना है ना वो अपने आप में पुण्य का काम है, जो पापी होता है उसको कभी नींद नहीं आती है। चाहे आप सत्संग में सो रहे हो या अपने घर में, वो पुण्य का काम है। आप सत्संग में बैठते रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और उस समय दो मार्ग खुलते हैं, एक तमोगुण का और दूसरा सत्वगुण का। आप बहुत सावधान है तो आप बहुत अलर्ट होकर कथा सुनेंगे, सत्वगुण बढ़ता जाएगा। थोड़ा असावधान हुए तो तमोगुण का मार्ग खुलता है, आप थोड़ा नींद लेंगे, थोड़ा झटका आएगा नींद का,
और एक तीसरा भी मार्ग है रजोगुण का, बैठे बैठे आप सोचते रहोगे, आप दुनिया के बारे में सोचोगे, आपको कभी नींद नहीं आएगी। आपका सोचना जब कम हो जाता है या सोचने पर नियंत्रण आ जाता है तो आप नींद में चले जाते हैं। आपको सत्संग में नींद क्यों आती है? इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े पापी हैं। आपको सत्संग में नींद इसलिए आती है क्योंकि आप रिलैक्स हो गए हैं, आपकी क्रियाओं पर थोड़ा नियंत्रण आ गया है और आप इतने हल्के हुए कि सत्वगुण में जा नहीं पाए, आपका मोह भी नहीं चलेगा। आप प्रयोग करना, कल यहां बैठे बैठे आपको नींद आ रही है तो आप अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू कर देना, आपकी नींद नहीं चली जाएगी। आप किसी वासना के ऊपर चिंतन करना शुरू कर देना तो आपको नींद नहीं आएगी। चिंतन पर नियंत्रण हुए बिना नींद का आना संभव नहीं है। इसलिए यहां बैठकर दुनिया का चिंतन करने की अपेक्षा या कमरे में जाके लेटने की अपेक्षा, दुनिया में भटकने की अपेक्षा, आपको दो ही काम करना चाहिए, या तो कथा सुनना चाहिए या तो कथा में बैठ के सो जाना चाहिए। आप कथा में बैठिए और आप सो जाइए, या आप कथा सुनिए, लेकिन आप किसी भी हालत में ये सत्संग छोड़ के मत जाइए, उसका कोई फायदा नहीं है। और आप सो लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि कोई लोग मेरे को देख रहे हैं तो काला चश्मा लगा लीजिए, तो आप आराम से सोओगे लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा कि आप सो रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, आप कथा में सो रहे हैं, ये कोई बुरा नहीं है। ये कथा में सोने की बात बहुत पुरानी है, अमर कथा माँ पार्वती ने सुनी थी भगवान शंकर जी से। और वो कहाँ सुनी थी? अमरनाथ की अमर गुफा में, कश्मीर में। कहाँ भगवान शंकर कथा सुना रहे थे और पार्वती कथा श्रवण कर रही थी, इतना दिव्य संवाद था। तो वहां माँ पार्वती को नींद आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? नियम तो यही है कि कथा में नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई। और पार्वती ऐसी गहरी नींद में सोई, बहुत गहरी नींद में, वो तोता हूं बोल रहा था तब भी उनको मालूम नहीं पड़ा। आप इस कहानी को कई बार सुन चुके हैं, तो क्या आप ये बोलोगे कि पार्वती के उस नींद को देख करके कि वो बहुत पापी थी? नहीं नहीं। इसलिए आज के बाद आप ये भूल जाओ कि कथा में सोना पाप है, और आराम से आपको जब नींद आए तो आंख बंद करके सो जाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको लंबी नींद नहीं आएगी, एक दो मिनट पांच मिनट, और उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, कथा सुनो बहुत प्रेम से, आप सो ही तो रहे हैं और कुछ कर, दुनिया में आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, आप तो बैठे बैठे सो ही तो रहे हैं, और सोना पाप तो नहीं है। ये दोनों चीजें है तो प्रतिबंध, साधना में प्रतिबंध है। रजसा तमसा आवृतम, वहां रजोगुण और तमोगुण आया नारायण, और उस रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से साधना में प्रतिबंध उपस्थित हो गया, पूरे ब्रजमंडल में अंधेरा छाया। और उसका परिणाम यह हुआ कि आंखों से कृष्ण भगवान ओझल हो गए। बहुत सारी गोपियां दौड़ते हुए बाहर आई, यशोदा मैया भी आ गई और भगवान को ढूंढने लगी, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब उन्हें कृष्ण मालूम नहीं पड़ रहे थे क्योंकि प्रतिबंध उपस्थित हो गया, आप सो गए। जब आप सो जाते हो तो क्या होता है मालूम है? सत्संग ओझल हो गया। आप जब वासना में चले जाते हैं तो आपका सत्संग ओझल हो जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आप यहाँ बैठकर दुनिया की चिंता करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको मालूम होना बंद हो जाता है। आप सो जाते हो तो मेरा जो कहना है आपको सुनने को नहीं मिलता है, वो समाप्त हो जाता है, आपकी इंद्रियों से वो ओझल हो जाता है।
यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा सत्संग आपके आंखों से ओझल ना हो, आपके समझ से ओझल ना हो, तो आपको जगते रहना चाहिए, आपको सोना नहीं चाहिए, वासना पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। देखा, यशोदा मैया ने, अनेकों गोपों ने, गोपियों ने कृष्ण कहा है, कृष्ण का दिखाई नहीं दी नारायण। तृणाव्रत ने भगवान को ले लिया और अंतरिक्ष में चला गया, वो वहां जाके भगवान को मारना चाहता था। भगवान श्याम सुंदर ने उसके गले में हाथ लगाया और भगवान गला दबाने लगे। तृणाव्रत की श्वास जब अवरुद्ध होने लगी तो उन्होंने भगवान से अनुनय किया कि तुम गला छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ो। माने जो खुद भी बचना चाहता है, वो कृष्ण को मारना चाहता है लेकिन खुद भी बचना चाहता है। उन्होंने कहा हाथ पकड़ो बेटा, हाथ, गला मत पकड़ो। भगवान ने कहा कि मामा जी, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और भगवान श्याम सुंदर ने नारायण ऐसा पकड़ा, ऊपर से नीचे तृणाव्रत गिरा और उतने में ही उसका उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ये तृणाव्रत उद्धार की लीला नारायण, ये बहुत आध्यात्मिक लीला है। हमें अपने वासना पर, हमें अपने तमोगुण पर नियंत्रण कर लेना चाहिए और निरंतर प्राणायाम आदि के द्वारा सत्वगुण को अंदर से बढ़ाते जाना चाहिए। एकदा अर्भकमादाय स्वांक्यमारोप्य भामिनी प्रश्नोत्तम पायामासस्तनम स्नेह परिप्लुता। मैया को अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये मेरा बेटा भगवान है, और मैया हमेशा भगवान की चिंता करती रहती थी। नारायण माँ ध्यान देती थी, ये बहुत ज्यादा दूध पी रहा है, कम पी रहा है। भगवान ने एक बार दूध पिया ज्यादा और भगवान रोने लगे। वैद्य के पास जाके दिखा दिया, वैद्य ने कहा इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, और उन्होंने दवा भी बता दी, और वो दवा बता दी नारायण गोमूत्र। उन्होंने कहा सीप में थोड़ा गोमूत्र डाल करके लाला को पिला देना, लाला ठीक हो जाएंगे। पुराने जमाने में चम्मच की जगह पर सीप ही थी नारायण। माँ ने गोमूत्र लिया सीप में और लाला के मुख में अंगुली रख ली, थोड़ा अंगुली मुख खुलाने के लिए, और जैसे सीप से गोमूत्र डाला, ओहो कैसा लगा होगा लाला को, कड़वा लगा, मुख टेढ़ा किया, लेकिन माँ ने अंगुली डाल रखी थी ना, निगलना पड़ा, और वो स्वाद वो गंध लाला को अच्छी नहीं लगी। और आज मैया भी सोच रही थी नारायण ये ज्यादा दूध पी रहा है भगवान, आज बहुत ज्यादा दूध पी रहे थे, बहुत ज्यादा दूध पी रहे थे। और मैया भी सोच रही थी कि कहीं इसका पेट खराब ना हो जाए। भगवान समझ गए कहीं मैया मेरे को पुनः गोमूत्र न पिला दे। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मैं मैया को दिखा दूंगा, मैया मैं बहुत बड़ा हूं, सारी दुनिया मेरे अंदर है। आज भगवान विश्वरूप के दर्शन कराना चाहते थे मैया को। मां भगवान को अपनी छाती से अलग करना चाह रही थी नारायण। भगवान अलग हुए और एक लंबी जमाई ली भगवान ने, बड़ा छोटा सा मुख है भगवान का, हाथ छोटे छोटे, पैर छोटे। बहुत प्रेम से माँ ने लाला के मुख में देखा झांक के। लाला का मुख तो बहुत छोटा, लेकिन माँ ने आश्चर्य की चीज देखी नारायण। लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारांगन, सातों समुद्र उमड़ रहे थे।
लाला के मुख में सातों समुद्र ऐसे उमड़ रहे थे, उमड़ रहे थे। आरोप ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। जो विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वही विश्वरूप भगवान मां को दिखा रहे हैं। और वहां पर भी भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया अर्जुन के सामने और भगवान ने कहा, देखो ये मेरा दिव्य रूप। अर्जुन ने कहा, कौन सा रूप दिखा रहे, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चमे योगमेश्वरम्। तुम अपने आंखों से मेरे इस दिव्य रूप के दर्शन नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, शक्ति पथ कर दिया। ये दिव्य दृष्टि प्रदान करना मने शक्तिपात करना था नारायण। अर्जुन के ऊपर शक्तिपात कर दिया भगवान ने, विश्वरूप के दर्शन करने लगा हो। विश्वरूप मने कण कण में परमेश्वर के दर्शन होने लगे। अर्जुन ने देखा नदी नाले पर्वत पहाड़ समुद्र अंतरिक्ष चंद्र सूर्य नक्षत्र तारांगन भगवान के अंदर है। और वो केवल देख नहीं रहा था, वो सुन भी रहा था। वो केवल देखने की ही दृष्टि नहीं थी, वहां पर उसको सुनाई भी पड़ रहा था। नारायण बड़े बड़े सागर जब उमड़ रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसकी गड़गड़ाहट भी अर्जुन को सुनाई दे रही थी। और वो हजारों हजारों सूर्य देख रहा था भगवान के अंदर, तो वो केवल चित्र नहीं थे, उसकी तपन उसकी आग भी उसको महसूस हो रही थी। पांचों इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो सबका अनुभव कर रहा था और वो सहन नहीं कर पाया। भगवान के सृजनात्मक रूप को तो देखा उन्होंने, लेकिन भगवान के विध्वंसक रूप को वो देख नहीं पाया। उन्होंने देखा भगवान का विध्वंसक रूप। भगवान ने एक ऐसी चीज दिखा दी अर्जुन को, भगवान खा रहे हैं, दुनिया को खा रहे हैं, जैसे आप मैगी खाते हो। बड़ा वर्णन, भयंकर वर्णन है भगवत गीता में। आप मैगी खाते हो तो मैगी थोड़ा सा आपके मुख में भी लग जाती है, थोड़ा गिरती भी है, दांतों में भी अटक जाती है। खाते हुए आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हो। आप खा रहे हैं तो कोई कोई ऐसा खाता ना, बट वो ऐसा वैसा खाए तो आपको लगे, अरे भैया तो ढंग से खाओ बोलेंगे। आप बोलेंगे, अरे ढंग से खाओ है क्या, हम बगल में बैठ कर खा रहे हैं भाई, थोड़ा ढंग से खाओ। आप ढंग से नहीं खाओगे तो बगल वाला परेशान हो जाए। और वो भगवान ऐसा खा रहे थे, किसी के हाथ कट के इधर गिर रहे थे, किसी के पैर कट के गिर रहे थे, और बहुत सारे लोगों के सिर भी जैसे आपके दांतों में अन्न बैठ जाता, वैसे हाथ पैर सिर भगवान के मुख में अटके पड़े थे भयंकर। और वो खून की धारा प्रवाहित हो रही थी। वो भगवान का विध्वंस का रूप था। जब अर्जुन ने देखा और अर्जुन सब कुछ भूल गया और भूल करके भगवान को पूछने लगा, ओ भगवान आप कौन है? अर्जुन ने भगवान को पूछा, को भगवान कौन हो? भगवान ने कहा, महाकाल कालोस्मि, काल हूं मैं, महाकाल, सबको खाया हुआ। बस कांप गया अर्जुन, सबको खाएगा, मेरे को भी खाएगा। लेकिन भगवान ने कहा, सबको खाऊंगा लेकिन तुमको छोड़ के। और जब तुमको छोड़ के भगवान ने कहा तो थोड़ा हिम्मत आ गई, ओहो मेरे को नहीं खाएगा यार। तब याद आ गई, ओ यही कृष्ण है। पहले याद नहीं थी उनको,
प्रार्थना किया, छोटे हो जाओ छोटे, चतुर्भुज हो जाओ चतुर्भुज हो जाओ। जो विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया वही विश्वरूप मां को आज भगवान दिखा रहे हैं। सारी दुनिया चंद्र सूर्य नक्षत्र तारांगन अंतरिक्ष मां देख रही लाला के मुख में ही। और यहां भगवान ने कोई दृष्टि प्रदान नहीं की है मामी वो सामर्थ्य देखने का। वहां तो अर्जुन के ऊपर शक्तिपात करना पड़ा लेकिन यहां मां के ऊपर शक्तिपात करने की जरूरत नहीं रही और वो स्वतस्फूर्त विश्वरूप के दर्शन में यहां करने लगी। मां ने देखा ये क्या देख रही हूं लाला के मुख में, लाला मेरा छोटा सा, और लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांड देख रही। आंख बंद कर ली मैया ने, और जैसे आंख मैया ने बंद कर दिया तो मां ने देखा अनंत अनंत नक्षत्र तारांगनों के मध्य में पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर आर्यवर्ष भारत, भारत में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में नंद बाबा का महल, नंद बाबा के महल के सामने आंगन, आंगन के सामने मैया बैठी है नारायण, और मैया के गोद में लाला है, लाला के मुख में ये सारी चीजें। और मैया ने देखा वो स्वयं भी खुद भी लाला के मुख में, मैया ने देखा लाला के मुख में नंद बाबा भी हैं, गोप गोपियां, वो सारा ब्रजमंडल माँ लाला के मुख में देखने लगी। ओहो, माँ समझ नहीं पा रहे थे नारायण, पसीना पसीना हो गई। भगवान समझ गए, माँ ने देख लिया, माँ को मालूम पड़ा कि मैं भगवान हूं। भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया और मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान। और जैसे भगवान ने मुस्कुराया पहले तो माँ को लगा ये तो सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान है। ओहो, और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे तो वो बोध जो था ना वो भगवान ने मुस्कुराहट के द्वारा हर लिया, क्योंकि भगवान को लगा यदि माँ ने जाना कि मैं भगवान हूं तो वात्सल्य खत्म हो जाएगा, माँ मेरे को दुग्धपान नहीं कराएगी, फिर माँ को मालूम पड़ा कि ये भगवान है तो माँ को आनंद नहीं आएगा, फिर भक्ति रस का आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने माँ के अंदर के भक्ति रस के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो दिव्य दर्शन दिए थे उसकी स्मृति को विलुप्त कर दिया। आज जैसे स्मृति का लोप हुआ माँ गदगद हो गई और लाला को उठा करके अपनी छाती में लगाया और माँ बोलने लगी मेरा बेटा, मेरा बेटा है हम, ये तो भगवान नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो बहुत सुंदर नारायण, बहुत सुंदर नारायण ये चरित्र हैं। और इस चरित्र के द्वारा हमें समझना है कि प्रभु कण कण में हैं, हर जगह पर भगवान हैं। आओ महाराज विराज, परम पूज्य परम सत्य महामंडलेश्वर चंद्रशेखरानंद सरस्वती जी महाराज पधारे, हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपकी आज्ञा से हम थोड़ा कथा आगे बढ़ा देंगे। ये विश्वरूप दर्शन की लीला बहुत सुंदर लीला है, हमें जानना है उस कृष्ण तत्व को जो कण कण में विराजमान है, जो सब रूपों में है। मां ने देखा क्यों ना हो, नारायण मां में वो योग्यता है, लेकिन भक्ति रस के आनंद को बनाए रखने के लिए
भगवान उस तत्व को थोड़ा छिपा देते हैं, आवृत कर देते हैं। यहां राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, भगवान भगवान की बहुत अच्छी अच्छी दिव्य लीलाएं, आप और सुनाइए। और हमने सुना है भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया था और वो वसुदेव जी महाराज के कुलगुरु थे, इसका रहस्य क्या है? आपको भगवान को पहचानना है तो एक सूत्र चाहिए और वो सूत्र है प्रभु का नामस्मरण। आप किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हो तो उसका सूत्र है उसका नाम। आपको बेंगलोर में पहुंचना है फणिराज जी के पास तो एक ही सूत्र है और वो क्या है? उसका नाम। आपका यदि नाम मेरे को मालूम नहीं है तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता हूं। मैं वहां कितना भी पूछूं लेकिन आपका नाम ही मालूम नहीं है तो मैं कैसे पहुंचूंगा? एक बार की बात, मैं बनारस में था, हरिद्वार के एक तरफ कहीं जाना था और जैसे टिकट निकालने के लिए टिकट खिड़की पहुंचा और पैसे मैंने टिकट मास्टर को दिए और मेरे दिमाग से जहां जाना था वो नाम ओझल हो गया और मैं उनको बोलने लगा कि मेरे को वहां जाना है। टिकट मास्टर ने कहा वहां माने कहां जाना है भाई, पहले ये बताओ कि आपको जाना कहां है। मैंने कहा भूल गया यार, मैं वहां जाना है। तो उन्होंने कहा पहले जाओ, याद करो, फिर आ जाओ। बात सत्य है, आपको यदि जाना है तो वहां का नाम तो कम से कम मालूम होना ही चाहिए ना। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं जिसका नाम लूंगा वो व्यक्ति मालूम होगा कि ये है। 1,00,000 लोग बैठे हैं और उन 1,00,000 लोगों में जिसका मैं नाम लूना वही हाथ ऊपर करेगा। आश्चर्य की बात है ये। 1,00,00,000 लोग हैं लेकिन उन 1,00,00,000 लोगों में मैं जिसका नाम लूंगा उसी को एहसास होगा कि ये मेरे को बोल रहे हैं। आपको भगवान को जगाना है, आपको आपकी चेतना में उस भगवान को प्रकट करना है तो साधन क्या है? उस परमेश्वर की चेतना को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है नारायण, भगवान का नामस्मरण। आप नाम लो नारायण, आपको जो अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिसका नाम लेते हो ना उसकी आकृति आपके दिमाग में अलौकिक हो उठती है, आप वैसा होने लगते हैं, वो नाम आपका जीवन बनना शुरू हो जाता है। अभी आप यहां बैठे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आपके किसी प्रिय वस्तु का नाम मैं लूं तो वो सारी चीजें आपके आकृति में आनी शुरू हो जाती है और आपकी चेतना वैसी बनना भी शुरू हो जाती है। ये नाम का महत्व है। भगवान का नाम क्या है? अभी तक भगवान का नाम नहीं है और वो नाम जो है ना मिलता है गुरु से, मिलता है साधु महात्माओं से, मिलते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे नारायण भगवान का नामकरण संस्कार करने के। यशोदा मैया के पास अर्थ है लेकिन नाम नहीं है और गर्गाचार्य जी महाराज जी के पास नाम है लेकिन अर्थ नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज जी मंत्र जप कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं लेकिन साधना का अर्थ, आप साधना करते करते अर्थ को प्रकट कर लेते हैं। आप ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, नाम है, आप जप, आप लाखों करोड़ों बार जब इसका जप करोगे तो अर्थ प्रकट होगा। गुरु ने आपको मंत्र दिया, मैंने नाम दिया, आपके हाथ में नाम है, अर्थ नहीं है।
गर्गाचार्य महाराज जी के पास अर्थ नहीं है, नाम है, और यशोदा मैया के पास अर्थ है लेकिन नाम नहीं है, परिचय नहीं है, ये कौन है, इसका नाम क्या है। ऐसा बहुत बार होता है, साधक साधना करता है केवल शब्द में रमता, अर्थ मालूम नहीं, उसकी अनुभूति अभी हुई नहीं है। और कुछ लोग होते हैं अर्थ भी मालूम है और उसका शब्द भी है, कुछ लोग होते हैं अर्थ तो है बहुत, अनुभव तो बहुत है, लेकिन उस अनुभव के लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बार मेरे को किसी ने बोला, महाराष्ट्र में एक गांव में कोई एक माताजी रहती हैं और वो बहुत भगवान की भक्त हैं। हमने कहा चलो दर्शन करने के लिए आते हैं, चल पड़े हम लोग। गांव में रहती थी वो, कुमार जाति की थी। रात्रि के समय गए, चार महात्मा थे हम लोग। जब उनके घर में बैठे, घर भी सामान्य था, जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि रात्रि का समय महाराज, आप भोजन क्या करोगे, मैं तो कुमार जाति की हूं, क्या आप हमारे घर में भोजन करोगे। मैंने उनको बोला कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए वृंदावन से आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद हम क्या ये सोचेंगे कि तुम कुमार जाति के हो तो तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम भगवान के भक्त हो, खिचड़ी बनाओ, हम चारों खिचड़ी खाएंगे। खा कर बैठ गए, आश्चर्य की बात। मैंने उनको प्रार्थना की कि आपके जीवन में जो भी अनुभव है वो हमको सुनाइए। वो जो बातें सुना रही थी वो बहुत गंभीर बातें सुना रही थी। उन्होंने सबसे पहले हमको बोला, बाबा बोले मेरे इस दिमाग में पता नहीं बोले कितने सूर्य चमक रहे थे, उसको नहीं मालूम क्या है वो, बोले अनंत अनंत सूर्य मेरे दिमाग में चमक रहे थे, और बोले बहुत बड़े बड़े समुद्र सागर उमड़ रहे थे, पता नहीं मैं घबरा जाती थी। मैं हजारों हजारों साधुओं के दर्शन मैंने किए, बोले आंख बंद करके मैं जप करती रहती, दरवाजा बंद है लेकिन दरवाजे से ही साधु सारे आ जाते हजारों हजारों। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी साधु को ऐसे वस्त्र में नहीं देखा जैसे आप वस्त्र पहन करके आए हो, ऐसे साधुओं को मैंने ध्यान की अवस्था में देखा, बड़ी बड़ी जटाएं और रुद्राक्ष पहने, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने। वो अनपढ़ थी, वो अंगूठा छाप थी, और वो संस्कृत के मंत्र बोल रही थी, वो मंत्र मेरे को भी मालूम नहीं वो कौन से मंत्र बोल रही थी। और उन्होंने कहा कि बाबा ये सब मंत्र मैंने बोले पता नहीं कहां से आए, मेरे दिमाग में कहां से आए। वहां अनुभव है, बहुत कुछ अनुभव है, साधना का अनुभव, लेकिन वहां कोई शब्द नहीं है। मां के पास अर्थ है, अनुभव है, अभी कोई शब्द नहीं। गर्गाचार्य महाराज जी के पास शब्द है, अर्थ नहीं है, और अब दोनों एक होने जा रहा है। मां को शब्द मिलेगा और गर्गाचार्य महाराज जी को अर्थ मिलेगा। गर्गाचार्य महाराज जी सोच रहे थे अनंत जन्मों का पुण्य, मेरे साधना का प्रतिफल, आज मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। नारायण वहां गए नामकरण संस्कार के लिए, स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ, भगवान श्याम सुंदर को गोद में लेकर रोहिणी और यशोदा मैया आ गई। रोहिणी के गोद में जो बालक है बड़ा सुंदर, उसका नाम गर्गाचार्य महाराज ने रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदु। उन्होंने उनका नाम रखा नारायण, बलराम जी महाराज। बोले बलराम जी महाराज की, बलराम जी महाराज की जय। भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया के गोद में देखा गर्गाचार्य महाराज ने, और देखने के बाद उनका चित्त अशब्द हो गया, अवांग मनसा गोचर।
और उन्होंने जो देखा वो प्रकट हो गया शब्द, कृष्ण माने काला। काले को कृष्ण बोलते हैं। और जब भगवान को देखा तो कैसे क्या देखा उन्होंने, गोरा देखा कि काला देखा? काला देखा। और जो देखा वो शब्द निकला वही भगवान का नाम हो गया कृष्ण। गुजराती लोग भगवान की आरती गाते हैं, जय काला काला ऐसा गाते हैं। अब भगवान बड़े खुश हो जाते हो, किसी आदमी को काला बोलो तो नाराज हो जाए। और भगवान की आरती आप उतारते हो, जय काला 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 बोले काला, किसी आदमी काले आदमी को काला काला बोल दो तो नाराज हो जाए। और आप आराम से भगवान को काला काला कृष्ण माने काला। काले को देख कर गर्गाचार्य महाराज ने कोई नाम नहीं सूझा और नाम रख दिया कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की जय। मैया ने बोला बाबा ये क्या नाम रख रहे हो, थोड़ा बढ़िया नाम रखो, लोग तो चिढ़ाएंगे मेरे बच्चे को काला काला बोल के। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया ये नाम कोई सामान्य नहीं है, कृष्णश्च कृष्ण भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्ति वाचक तयो रैक्यम पर ब्रह्म श्री कृष्ण रीति। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कृष्ण जो शब्द है वो दुनिया का वाचक है, और जो न है ना वो दुनिया को पैदा करने वाला, ऐसा अर्थ है मैया। ये तुम्हारा बालक कोई सामान्य नहीं है, ये धर्म की स्थापना करेगा, हजारों हजारों लाखों लोगों को धर्म का प्रेरक बन उसके उद्धार का काम करेगा, ये तुम्हारा नाम बढ़ाएगा आगे। बहुत सारा परिचय कराया नारायण, धन्य हो गई मैया। अब भगवान का नाम मिला, भगवान को नाम मिला कृष्ण, बलराम जी महाराज को नाम मिल रहा बलराम। हरे राम हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे